किसान भाइयों, अगर आप लोग बैंगन की नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि बैंगन की नर्सरी किस तरीके से तैयार करें कि यह आसान भी हो, सस्ता भी हो और जो आपकी बैंगन की नर्सरी तैयार हो वह काफ़ी स्वस्थ हो, जिससे जो आपकी खेती है यह सफल हो सके। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों को किस तरीके से बैंगन की नर्सरी तैयार करनी है। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्या और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही सटीक और व्यवहारिक जानकारी मिलती रहे। जब हम नर्सरी के लिए खेत की तैयारी करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है नर्सरी के लिए खेत की तैयारी। देखिए, अगर आप लोग बरसात में नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो जो आपका सामान्य खेत है उससे थोड़ा सा आप लोगों को नर्सरी की जो ज़मीन होती है इसको ऊँचा रखना चाहिए, जिससे जो बरसात का पानी होता है यह आराम से निकल सके। और उसके बाद आप लोगों को करनी होती है इसकी खूब अच्छे से गुड़ाई। देखिए, बात करते हैं हम यहाँ क्षेत्र की, तो अगर आप लोगों को लगभग एक एकड़ के लिए नर्सरी बैंगन की तैयार करनी है तो लगभग 15 फुट चौड़ी और 15 फुट लंबी आप लोगों को ज़मीन लेनी चाहिए, जिससे आपकी एक एकड़ बैंगन की नर्सरी तैयार हो सकती है। और इतने में आप लोगों को जो बैंगन की बीज लगती है यह निर्भर करता है कि आप कितनी दूरी पे अपने बैंगन के पौधरोपण करने जा रहे हैं, कितने बीजों की आवश्यकता पड़ेगी और इसके साथ ही साथ आपके बैंगन के बीज का जो जमाव होता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो 60 ग्राम से लेकर के आप लोगों को आवश्यकता होती है 100 ग्राम बैंगन के बीज की। जब आप लोग नर्सरी की इस तरीके से गुड़ाई करके अच्छी तरीके से तैयार कर देते हैं तो चारों तरफ आप लोगों को हल्की सी ऊंची मेड़ बना देनी चाहिए और यह मेड़ बनाने के पश्चात आप लोगों को उसमें भर देना होता है पानी। जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं, यहां पर पानी भर दिया गया है। पानी भरने के पश्चात हमें उसमें लगाना होता है पाटा, जिससे जो ढेले होते हैं वह बैठ जाए और हमारी जो ज़मीन होती है यह पूरी तरीके से समतल हो जाए। जब आप लोग इस तरीके से पाटा लगा करके समतल कर देते हैं तो फिर जो नर्सरी का पानी है यह हमें बाहर निकाल देना होता है। और पानी बाहर निकालने के पश्चात हमें आधी घंटे का इंतज़ार करना चाहिए, जिससे जो हमारी नर्सरी है इसकी जो ऊपरी परत होती है यह हल्का सा सूख जाए। और सूखने के पश्चात हम इसमें जो अपनी बीज होती है बैंगन की इसको डाल सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे बैंगन की पैकेट है उसमें से हम बीज को पहले एक तसले में निकाल लेते हैं, जिससे जो नर्सरी में बीज डालना है यह आसान हो सके। पैकेट से उतना आसान होता नहीं है और अंदाज़ा भी उतना नहीं मिल पाता कि कितनी सीड अभी डाली गई है, कितनी सीड नहीं डाली गई है। तो सबसे पहले आप लोग इस तरीके से निकाल लीजिए कि जो सीड है यह पहले से ट्रीटेड है तो हमें ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो हमारी नर्सरी सूखी हुई है इस तरीके से, इसमें हमको जो बीज होती है यह पूरी तरीके से लगभग सामान्य मात्रा में पूरी नर्सरी में बिखेर देना होता है। और जब आप लोग बिखेर देते हैं तो यह जो बीज है इसको हमें ढकने की ज़रूरत होती है, वह भी भुरभुरी मिट्टी से। तो आप लोग एक छोटी सी परत, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मिट्टी को हम पहले भुरभुरा कर लेते हैं। भुरभुरा करने के पश्चात जो हमारी नर्सरी है जब सूख जाती है लगभग 12 घंटे पश्चात बीज डालने के, तब हम उस पर इस तरीके से मिट्टी डाल देते हैं। यह मिट्टी की जो ऊंचाई होती है यह काफ़ी हल्की होती है, सिर्फ जो बीज होती है वही ढकती है। आप ऐसा मान के चल सकते हैं लगभग आधी सेंटीमीटर के करीब। तो इस तरीके से जब आप लोग डाल देते हैं तो उसके बाद हमारा जो काम होता है यह संपन्न हो जाता है। इसके बाद सिर्फ हमें अपनी नर्सरी में ज़रूरत होती है नमी बना करके रखने की। अगर आप लोग बरसात के समय में इस नर्सरी को तैयार कर रहे हैं तो आप लोग ऊपर से पॉलीथीन डाल सकते हैं बरसात होने के समय, जिससे जो बरसात की बूंदें होती हैं डायरेक्ट नर्सरी में ना गिरे। और अगर आप लोग गर्मी के मौसम में इस तरीके से नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी हमें जैसे पुआल होता है या गन्ने की पत्ती होती है तो उससे नर्सरी को ढक देना चाहिए, जिससे जो सूर्य की तेज रोशनी होती है उससे हमारी नर्सरी ख़राब ना हो। ऐसा करने के कारण जो हमारी नर्सरी रहती है ये पूरी तरीके से सुरक्षित रहती है। और जैसे ही जमाव हो जाएगा हम उस पुआल को हटा देते हैं। जो जमाव होता है लगभग एक हफ्ते में पूरी तरीके से आ जाता है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी नर्सरी है उसका जमाव अच्छी तरीके से आ गया है और यहाँ पर पौधे भी स्वस्थ हैं।
जो बैगन की नर्सरी होती है इसके पौधे 25 दिन से लेकर के 30 दिन में खेत में रोपाई करने के लायक हो जाते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से हम नर्सरी तैयार किए हैं उसका कितना बेहतरीन रिजल्ट आया है। और ये जो नर्सरी तैयार करने का तरीका है इसमें जो आप लोगों की लागत आती है यह काफ़ी कम आती है और जो जमाव होता है काफ़ी अच्छा होता है। तो इस वजह से आप लोग इस तरीके से नर्सरी तैयार कर सकते हैं। यह वीडियो आप लोगों के लिए कैसी रही ज़रूर बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।